अपनी मांगों को लेकर आज ज्वाली तहसील के पंचायत चौकीदारों की एक बैठक विश्राम गृह ज्वाली में ब्लॉक प्रधान कमल कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें तहसीलदार की विभिन्न पंचायतों के चौकीदारों ने भाग लिया। बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से मांग की गई कि पंचायत चौकीदारों के लिए जल नियमितीकरण व वेतन के लिए पॉलिसी बनाई जाए। संघ के प्रधान कमल कुमार ने कहा कि पंचायत चौकीदार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रेगुलर पंचायतों में ड्यूटी देते हैं तथा सरकार की योजनाओं व अन्य सूचनाओं को घर घर तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा करते हैं, लेकिन आज तक इस कर्मचारी वर्ग की किसी सरकार ने सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि इस समय उन्हें 4000 मात्र मासिक वेतन मिलता है, जो कि आज की महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, जिससे उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अभी जो वेतन मिलता है वह भी कई पंचायतों में कार्यरत चौकीदारों को 3-3 महीने के बाद मिलता है। उन्होंने मांग की है कि पंचायत चौकीदारों को हर माह की 7 तारीख से पहले वेतन की अदायगी की जाए। आज हमारी जो मीटिंग 16/6/2019 को PWD के रेस्ट हाउस ब्लॉक नोटा सूरियां की जो मीटिंग हुई है, जो हमारी जो पॉलिसी है पंचायत चौकीदार की कई वर्षों से नहीं बन रही है, तो हम पंचायत चौकीदार जो आज मीटिंग कर रहे हैं कि हमारी जो है पॉलिसी जल्द से बनाई जाए, ताकि आज जो बढ़ती महंगाई में 4000 रुपये मात्रा में सरकार से मिल रहा है, वो इससे हमारा परिवार का पालन पोषण और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मुश्किल हो गया है, जिसमें हमें प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे का ड्यूटी अपने कार्य करना पड़ता है। कई बार हमें छुट्टी होती तभी हम जाना पड़ता हमारे को, तो हम सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे लिए जल्द पॉलिसी बनाई जाए, ताकि हमारे बच्चों और हमारे परिवार को ऐसी सुविधा अच्छे ढंग से मिल सके, और जो हमारा जो वेतन जो है हमें जो 4-4, 5-5 महीने के बाद मिलता है, वो हमें हर 7 दिन से पहले जो है मिलना चाहिए, क्योंकि हम इसी पर निर्भर है। वहाँ हम कोई काम नहीं कर सकते दूसरा, क्योंकि हमें सुबह 10 बजे जाना पड़ता है, 5 बजे आना पड़ता है, तो हम कोई काम तो कर ही नहीं सकते दूसरा, तो हम 4000 से ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, जिससे हमारी को जो है काफ़ी मुश्किल आना पड़े।